हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फाइनली किट्टो को, तो मतलब सबको वीडियो में देखे होंगे, पता चल गया बेबी हो गया है। बेबी आ ही गया है, लेकिन हम थोड़ा सा लेट ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और सच धस के हम कहे कि जब बेबी हो गया है अब जा रहे हैं घर, नहा धोकर आएंगे, थोड़ा सा बन ठन के आए ना मम्मी। बीमारी में भी बन ठन के आए हैं हम लोग, लिपस्टिक पिस्टिक लगा कर। और दिखाते हैं किट्टो, देख सकते हैं वहाँ पर लेटी हुई है। सही हो, हम नहीं थे ना घर, भी देखना होता है। कोई नहीं किया, इन्होंने तब नहीं करे। गजब कोई आता तो बने। नहीं तड़पने वाला क्या होता है, फिर वैसे तरह वीडियो बन जाएगी, बात हो गई खत्म। घर में जा रही है तो घर भी संभालना है, बच्चा भी संभालना है, जिम्मेदारी भी संभालना है। तो घर गए थे, जो घर पे गए बच्चे स्कूल गए, क्योंकि कल बच्चे सोनाची तो कल भी गई थी लेकिन ऋषभ नहीं गया था। तो मुझे क्या पता आगे छुट्टियां वगैरह दो चार दिन के लिए लेना पड़ जाएगा, तो इसीलिए हम घर चले गए, बच्चे को स्कूल भेजे, पढ़ के आ गए। फिर लेकिन कपड़ा नहीं धुले, कपड़ा तो बहुत काफ़ी है, सोचे थे धुलने के लिए, लेकिन रात में ही आज जाएंगे धुलेंगे। और बेबी तो हमारी गोद में सो रहा है, फेस तो नहीं दिखा सकते, बस ऐसे ए देखो किटो, ऐसे सही है ना, क्या तो नहीं दिखा, ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि इसका भी एक ब्लॉग सब मतलब किटो के चैनल पे, अमित के चैनल पे आएगा अलग से बेबी फेस दिखाने वाला। हम ऐसे ही दिखाएंगे, अगर हम अपने ब्लॉग में दिखाएंगे भाई, हमको पहले सब लोग दक्षिणा दीजिए तो हम दिखाएंगे। शुभ माना जाता है। और आज बेबी देखिए, बेबी का दूसरा दिन है और कपड़ा चेंज हुआ है इसका, देखने में पैसा लगता है। नहीं नया, देखिए नया चीज, नई नई शादी होती है, कोई दुल्हन देखने जाता है तो शगुन जरूर देते हैं। अगर बेबी का फेस देखना है हमारे चैनल में तो भाई हमको भी शगुन दीजिए, इसमें ऑप्शन है यूट्यूब पे, शगुन दीजिए, बेबी का फेस देखिए। अरे बड़ा बेबी बेबी कर रही भाई, नोखे का बेबी है, किट्टो अमित का बेबी है। लोग कितना इंतजार, काफी बेबी है, यही है, काफी दिन से इंतजार कर रहे थे, ताना मार रहे थे, ये कर रहे थे, आखिर फाइनली आ ही गया, ताना मारने वाले का जुबान ही बंद हो गया। जब नहीं होता था तुम माँ नहीं बन सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर, किट्टो सबको अचानक से सरप्राइज दी ना, और सरप्राइज भी दी तो बड़ा बढ़िया सरप्राइज देते हैं, महालक्ष्मी मम्मी लक्ष्मी। अभी कह रहे बेटी हुआ है तो सबका, बेटी हो या बेटा तो क्या होता है, हमारा कौन फर्क पड़ता है, हमारे घर में वैसे लड़की की जनसंख्या कम है, हमारे क्या कमी है, हमारे घर में बेटी को लक्ष्मी मानते हैं, लक्ष्मी। तो यही सब बातें साते हैं, और बेबी देख सकते हैं एकदम क्यूट क्यूट अपने मासी माँ के और बड़ी माँ की गोद में सो रहा है। मम्मी भी नहा कर आई, खाना पीना लेकर आए थे, सब ने खा लिया, और किट्टो के लिए पपीता तो करेंगी वो, हमें एक पपीता खोला देता, किट्टो के लिए पपीता लाए थे, डॉक्टर बोला है ना, तो मैं लाई थी घर पे, मम्मी मम्मी को खिला पिला कर, और किट्टो के लिए घर से फ्रेश एकदम काट कुट कर लेकर आए, अभी खा लेंगे, आप लोग भी खा लीजिए पपीता ही, लोग कहेंगे बच्चा हो गया मिठाई नहीं खिलाई, खिलाएंगे जब सब पहला फल खाइए, हाँ पपीता खाइए। तो ये सब बातें हैं बरेली ब्लॉग के अंदर, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। मम्मी भी नहा ली है, कपड़ा वगैरह चेंज कर ली है, देख सकते हैं, शायद ब्लॉग भी शूट किए थे क्या पता नहीं, आजकल दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग नहीं, हम लोग जा रहे हैं नीचे कुछ काम से, जो देखिये हाँ, कई प्रकार के काम होता है, गणेश भगवान अच्छा किया, तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए मम्मी लोग, दो दो मम्मियाँ चलिए, आप लोग तब ये सब जा रही हैं, दो दो बेटियाँ भी हैं, हाँ। दो दो मम्मियाँ दो दो बेटियाँ, चलिए चलते हैं अपना जो मतलब कि कुछ सामान की जरूरत थी, आराम से। अरे मम्मी गाइस सीढ़ी पर से गिरने से बच गई थी, लेकिन चलिए सब साथ, नहीं सही है हाँ, तो बने रहे, मिलते हैं। हम लोग हॉस्पिटल से बाहर आए हैं, हॉस्पिटल के सामने ये मार्केट है, जो सास बहू मम्मी बेटी बेटी सब आ गए हैं मार्केट में, चलते हैं देखते हैं क्या लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा भी मार्केट है, यहाँ हर चीज़ की वैरायटी वगैरह मिल जाएगी, हाँ मार्केट है देख सकते हैं यहाँ पर,
हाँ सब ये हाई फाई मार्केट इधर बहुत महंगा चीज मिलता है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे बच्चों के ब्लैंकेट और मुंह पोछने के लिए हैंकी वगैरह जो भी चाहिए। हम लोग दुकान पर आ गए हैं, जो भी होगा खरीदेंगे लेकर चलेंगे। मम्मी लोग उधर खड़ी हुई डिसाइड लेने क्या लेना है क्या नहीं। अच्छी मार्केट है, नहीं मिला फिर हम लोग दूसरी दुकान पर आ गए लेने के लिए। जो ब्लैंकेट वगैरह यहाँ मिलेगा तो गाइस जो सामान लेने आए थे और हम लोग को मिला नहीं। और जानते ये एरिया जो है काफ़ी महंगा है, अगर कोई सामान भी लेना चाह रहे हैं कि जो हमारे मतलब कि जिस एरिया में रहती हूँ अगर हमको लेना होगा वो 100 रुपये का, तो यही यहाँ पर 400 रुपये का है। तो यहाँ पर जलेबी वगैरह छन रहा है, जलेबी ले लेते हैं एक पाव। चलिए गोलगप्पे खाते हैं, जलेबी लेने के लिए। हाँ गोलगप्पा ये आटे की कितने का है? 30 रुपये का 5। 30 रुपये का 5, अरे बाप। खा लीजिए, क्या क्या हुआ है खा लीजिए। यहाँ का भी यादगार रहेगा। तो यहाँ साथ लोग खा रहे हैं गोलगप्पे, मम्मी भी खा ली। तो मम्मी सबसे हाई फाई एरिया में आए, क्या सोच रही है मम्मी? हम तो कह रहे हैं अरे मोरी माई। आपका क्या कहना है? बहुत महंगा, नहीं खाएंगे, अपने जीव को मोड़ लेंगे भैया, मोड़ लेंगे। इतना महंगा क्या है, लेकिन खाना चाहिए। नहीं नहीं देखिए मन बहुत बड़ा बड़ा है। जब भाई यहाँ जैसा हैसियत रहे वहाँ ऐसा खर्चे, जितने मन बढ़ाओगे। तो ये राम लड्डू है, मम्मी लोग सोच के थोड़ा संकोच हो गई है। ये मतलब 50 लेकर चलते हैं परिवार, सब लेकर चलते हैं। ये बात है कि आप लोग बहू बेटी को उस लायक बनाई है कि जो मतलब हर चीज में ढल जाती है। हम लोग को देखेंगे तब ना बहू बेटी बचाएंगे। महावल से ढलेंगे। तो ये राम लड्डू है गाइस, 50 रुपये 6 पीस। अरे और जानते हैं जलेबी, पनीर की जलेबी मम्मी बोल रही थी, लेकिन कह रही मत लो चलो गोलगप्पे सुन के 30 रुपये के 6 पीस। बहुत कोई बात नहीं, ये ना एरिया जो पॉश एरिया है बहुत हाई फाई है। ये मतलब घर तो ऐसे ही आपको दिखेंगे उबड़ा खाबड़, लेकिन दुकानें बस महंगे हैं। बगल में मॉल है ना, मॉल है, ये है वो है, इसके वजह से फिर भी आ रहे हैं, इसके वजह से। खोवा का जलेबी 50 रुपये या केक 50 रुपये का 1 पीस, मिर्च उसका पनीर का बताइए। हमने ये लड्डू खाने के लिए मम्मी लोग खा रही हैं। गूगल तो यहाँ पर आ गई हैं रूपाली जी, और इनका एग्जाम देख रही हो? यस पास हो जाओगी। पता नहीं क्या, जब पढ़ रही हो पेपर दे रहे तो पास हो जाओगी। भगवान भरोसे देखते हैं, भगवान भरोसे रूपाली जी। अंबर से तोड़ा उधर कितने खाना खा रहे हैं, सब लोग बैठ गए हैं। तो गाइस बने रहिए, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, अरे घड़ी भी बज गए हैं 9:30, मतलब 9:25 हो रहे हैं, और हम घर जा रहे हैं। बाबू को थोड़ा फ्रेश टहला देते हैं, घुमा देते हैं। क्या रूपाली क्या सोच रही हो? क्या कुछ नहीं, कुछ सोच रही होगी। देखिए मैं कितना बोलती हूँ ना, बोलना चाहिए, अच्छी बात है, हंसाती रहती है। हंसेंगी तभी तो फंसेंगी। तो बाबू भी सोच रहा है, मेरी मौसी के पक 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 कर रही है, ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ चेहरा तो तरी तुरा आ ही जाता है बच्चों का जी। पति देव चलेंगे घर? चलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो अब घर जाने का टाइम है, चलिए फिर मिलते हैं। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं हॉस्पिटल से घर, मम्मी को लिवा कर जा रहे हैं सब लोग। अच्छा गाइस कमेंट कर दे आपकी सास क्यों नहीं रुक रही, मम्मी को ना तबीयत खराब हो जाती है इसलिए हॉस्पिटल में नहीं रुक रही। मम्मी नहीं, लोग बोल रहे हैं कि मम्मी नहीं रुक रही हॉस्पिटल में, नहीं रुक रही, तो बताना पड़ेगा ना तबीयत। नहीं कमेंट आए कि आपकी सास क्यों नहीं रुक रही हॉस्पिटल, तो बताए हैं कि तबीयत खराब है इसलिए नहीं रुक रही। मम्मी तबीयत थोड़ा खराब, मम्मी नहीं बहाना वाला नहीं सच वाला बोलते हैं। आऊंगी तो मैं शाम के टाइम। नेक्स्ट मॉर्निंग
तो सो गाइस सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग रात को ही हॉस्पिटल से घर आ गए थे, 11:30 बज गया था। फिर घर पर आए, खाना पीना बनाए, मम्मी को क्या बोलते हैं चाय साय बना के दिए। 12 बजे तक चाय पी, बिंदी लगा था ना, गिर गया था तो चाय पी। फिर चाय पीने के बाद खाना खाए, 1 बज गया था खाना खाते खाते, और बहुत थक गए थे शरीर और सो भी गए थे। और काफ़ी लोग काफ़ी लोगों के कमेंट आ ही रहा था, जिससे मैंने कमेंट को बहुत देखे होंगे ब्लॉग में होगा, और मैंने डिलीट भी कर लिया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ज़्यादा कि किटो कितना तबीयत खराब रह रहा है, आपकी सासू माँ हॉस्पिटल में रुक नहीं रही हैं, केयर नहीं कर रही हैं, ऐसे बहुत ऐसे कमेंट आए थे। तो मम्मी से मैंने पूछा है कि ऐसे ऐसी बात है, तो मम्मी की तबीयत थोड़ा सा डाउन था इसलिए नहीं रुकी। और बहुत सारी चीज़ें जो होती है, जो समस्या होती हैं, बस ये होता है जो आप लोग बोलते हो, कभी कभी हम लोग बता देते हैं, कभी कभी कि दिल में रखते हैं, तो ये होता है कि माँ माँ होती हैं। बात यही है सिंपल तरीके से, कुछ ना ज़्यादा इधर करना है ना उधर करना है। और गला भी थोड़ा दर्द हो रहा है, तो चलिए जैसा होगा और पूरे ब्लॉग में आगे अपडेट देते रहेंगे। और किटो का भी तबीयत नहीं सही है, बार बार फीवर हो जा रहा है, पेन होने लग रहा है, तड़प रही हैं ऐसे वैसे, तो बस आप लोग प्रे करिए जच्चा तो कि फीवर की वजह से परेशान है वो सही रहे, बच्चा तो ठीक है। तो यही सब बातें हैं, और घर पे बहुत सारे अभी काम है, फिनिश करके मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जैसा अपडेट रहेगा आपको मिलेगा। और सासू माँ की जो बात है उसको एकदम रखिए, मेरी माँ को बात एकदम रखिए, माँ सासू माँ भी फर्क होता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।